एक दूसरे को समझाने से ज्यादा एक दूसरे को समझना जरूरी होता है बोलो कि मेरे कोई रिश्ता नहीं बनाना और तू जा और तू जा वाला जो एटीट्यूड है यंग लड़कियां और हम लोग सब सब मुझे भैया और वो वाली वाइब में ही रहते थे और हम लोग भगवान करे कि बहुत जल्दी आए और हम दोनों भी अब यही चाहते हैं

टैग डेफिनेटली अ बिग बॉस ने मुझे दिया एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए आपकी लाइफ में कितने बदलाव आ गए बिग बॉस के बाहर आने के बाद मतलब बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद आप थोड़े दिन तो सिर्फ ना इट्स आ, आप सोचते रहते हो कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है क्योंकि आप कई बार थोड़ा सा कहीं वहाँ पे भी होते हो अभी भी कुछ बातें हैं

रिवॉर्ड क्या है यहाँ का रिवॉर्ड यही है आप इस शो के अंदर जाते हो और बाहर आते हो तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे कोई भी कनेक्ट बना पाया है जो आपसे वो किसी माध्यम से जुड़ पाए या रिलेट कर पाए आपके इमोशंस से रिलेट कर पाए तो उस तरह की जर्नी ही उसी तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती है तो जब मुझे बिग बॉस ने मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस से मुझे काफी मैंशन मिले उन्होंने हमेशा विक्की भैया विक्की mm -hmm. भैया या ही ट्रस्टेड फॉर मी फॉर एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वो मुझे कोई भी चीज देने से डरते नहीं थे उन्होंने बहुत क्रूशियल चीज़ों के लिए मुझे हमेशा चूज किया शो में तो उन सारी चीज़ों को अ, अब सोच के ऐसा लगता है दैट यू नो कि इट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों ने मुझे दिया मेरी जर्नी को आपकी और अंकिता की वजह से एक एग्ज़ाम्पल भी मिल गया है लोगों को लाइक like, एक कह सकते हैं हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें लोगों को मिल गई है कि मतलब कपल्स के बीच कितना भी झगड़ा हो जाए बट वो कई बार हस्बैंड को थोड़ा लाउड होना चाहिए कई बार वाइफ को तो आप लोगों ने जो आपका रिश्ता इतना अच्छे से बैलेंस किया ना उसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है चलो आ, कुछ लोग होते हैं कुछ रोल्स करते हैं और कुछ होते हैं कुछ मतलब उसको पॉजिटिव वे में ले जाते तो वो बहुत मिक्स्ड था वो

इतने मजबूत है ना कहीं ना कहीं कि हमको पता है कि हम एक दूसरे को वैसा देख सकते हैं वैसा कर सकते हैं इफ यू फील लाइक हिटिंग मी इफ यू यू फील लाइक डूइंग दिस वी कैन डू दैट टू ईच अदर नो क्योंकि हम इतने मजबूत हैं अगर हमको ऐसा लगता है कि हम रिश्ते में मजबूत नहीं है तो हम शायद प्रिटेंड करते हैं एक दूसरे से फॉर्मैलिटी से रहते बट हम वैसे नहीं रह रहे थे वहाँ पे जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की चीजें जब जैसी जिसको फील हो रही थी वो अपनी उस अंदाज में एक्सप्रेस कर रहा था उससे लोग कभी उसको पसंद करते हैं कभी ना पसंद करते हैं दोनों तरह के रिस्पॉन्स है कुछ लोगों ने हमें बहुत प्यार किया कुछ लोगों को कुछ सवाल था जो आगे की जर्नी में हम जैसे रहेंगे या जिस तरह से उसके साथ रहेंगे उससे वो चीजें हट जाती हूँ क्योंकि वो माहौल सिर्फ उस घर के अंदर ही होता है आप जैसे बाहर अपनी जगह पे आते हो ना उसके बाद सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और जो चीज़ें आपने उस घर से सीखी हुई होती हैं वो तुरंत आपके अंदर आ जाती हैं और एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है तो अपने आप मतलब इट्स ऑल अ गुड जर्नी आई कैन से इन अगर आपने कई कमेंट्स पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा भी था कि आपके और अंकिता जी के बीच में जो भी झगड़े थे वो खाली एक के, जिसमें हो और सारी चीजें हो गई ये, अगर ये भगवान के कभी कोई प्लान है तो भी आप नहीं चाहते कि वैसा हो आपके साथ तो वो प्लान आप चाहते ही नहीं हो लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए आपको आ, आपको आपके रिश्ते में जिस तरह के कमिटमेंट्स आपने उसमें डे वन पे किए थे उन्हें आप आ, निभाने वाला इंसान होने चाहिए और शायद आप कहीं कही ना कहीं होते हो बट यू नो बिग बॉस की सिचुएशन और बिग बॉस की चीज़ें वो वो घर बहुत अलग है वहाँ वो एक प्रोजेक्ट है वो एक काम है वहाँ पे आप यू मोर आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द गेम देन ऑन द रिलेशनशिप में भी तो शायद वो बैलेंसेस मैं जहाँ नहीं रख पाया तो वहाँ पे वो चीज़ें बिगड़ती गई तो शायद और तरीके से किया जा सकता था और पोलाइटली किया जा सकता था और थोड़ा सा एक दूसरे को इमोशनली समझा जा सकता था बट शायद जितना समझ में आया उतना किया जितना नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सलमान सर ने उस दिन स्टेज में मेंशन किया कि यू नो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रियल जर्नीज ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री एवर इन टर्म्स ऑफ कपल्स हु हैव कम इन तो कुछ भी कहीं पे भी आर्टिफिशियल नहीं था हम दोनों बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हम उस सिचुएशन में जो भी फीलिंग्स आ रही थी yes. रिश्ता तो 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 बना लिया है मतलब जैसे ईशा मेरे काफी क्लोज रही और अंकिता के भी उस थ्रू आउट जर्नी में फिर खानजादी रही खानजादी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आ, मतलब मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूँ जिनसे मैं स्टार्ट टू एंड तक उनके साथ में रह सका तो ये है मतलब इनफैक्ट मनारा के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन ठीक है कोई भी जो बातें इधर उधर की होती हैं वो सब सोच के यू नो यू फील शेम समाइम्स ही क्योंकि सब मुझसे इतनी यंग लड़कियां और हम लोग सब सब मुझे भैया और वो वाली वाइब में ही रहते थे और हम लोग और शायद हम इतने कंफर्टेबल भी एक दूसरे से इसीलिए थे बिकॉज वो फीलिंग ही नहीं थी उस तरह की कहीं जो जिस तरह की बातें हो गई बट ठीक है अगर जब आप ये जानते हो कि आपके दिल में सब चीजें ठीक है, है तो आप फिर कुछ उसके बारे में सोचते नहीं और अपनी लाइफ वैसे जीते जाते हो जैसे आपको जीनी चाहिए यस yes. बिग बॉस के घर से भी जब आप बाहर आए तो आपने पार्टी किया था उसकी फोटो काफी वायरल हुई और काफी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी वो आपको भी पता है आप क्या कहना चाहेंगे उसमें मतलब एक पार्टी करना मतलब एक अगर फेम हो जाता है एक सेलिब्रिटी बन जाते हो आप तो मतलब पार्टी करना भी दुश्वार हो जाता है ऐसा कैसे मतलब शायद ये ये ऐसा है कि अंकिता तो मेरा वो चलता रहता है वो मुझे बोलती रहती है कि पार्टी मत करना पार्टी मत करना सी थॉट क्या होता है कि यार सब लोग ये भूल जाते हैं कि एज ए ह्यूमन बींग हम एक बहुत एडवर्स सिचुएशन में इतने दिनों तक रह के आए उस जर्नी में कुछ लोग हमारे साथ थे यू ना वो लोग शायद थोड़े से सबसे अलग इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आप उनके साथ रहे खाए सोए उठे बैठे झगड़े सब चीज आपने की और इतने दिनों तक साथ थे, तो आप जैसे बाहर निकलते हो ना तो उस टाइम सबको एक दूसरे से इतनी गॉसिप्स रहती है इतनी एक्साइटमेंट रहती है तो तो यू नो ये उस तरह की चीज है बस ये वैसा होता है वो एक बार होता है वो शांत हो जाता है इट्स नॉट दैट कि कोई किसी के घर आ जा नहीं रहा एक दो बार हो गया और खत्म हो गया तो अभी शायद वो चीज चल रही है अभी उसका फीवर है अभी सबके अंदर वो बातें हैं लोगों का है। इसलिए लोग मिल रहे हैं और जो बहुत नॉर्मल है बट उस चीज को क्योंकि वो ऐसा एक चल रहा है और उसके साथ बोल दिया तो बोल दिया बट क्योंकि दिल में कुछ गलत नहीं है तो हमको कहीं से गलत नहीं लगता यार सब ठीक है

क्योंकि हम अंदर थे और हम अपनी कोई भी स्थिति को खुद नहीं समझा पा रहे थे तो उनके जिसके मन में जो ख्याल आ रहा रहा था था वो बढ़ता चला जा रहा था। हम अब अच्छे से हैं सब चीजें अच्छे से हैं तो शायद रिश्ता वही स्ट्रॉन्ग है शब्दों की भी जरूरत ना पड़े तो अब कोई बहुत शब्दों की हम कोई एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो क्या मतलब तो वो मोटे मोटे में सॉल्व हो गया कि मतलब तुम खुश हो अगर तुम लोग खुश हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं अगर तो वो वो चीज थी तो फिर बात हो गई सब सब लोग अंकिता ने आपकी पार्टी वाली बात पे क्या रिएक्ट किया घर पे आने के बाद

ना चाहते हो भी ऐसी चीजें बोलने लग जाते हो कभी कोई चीज़ एक बार हुई हो ना तो उसको अब उतना बड़ा कैसे बोल देते हो तो सी ऐसा नहीं है मतलब अगर दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो अगर दोनों कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो उसके वो कभी भी गलत फैसला नहीं लेना चाहेंगे वो सही फैसला लेते हैं और जब वो इतना लेट फैसला लेते हैं तो उसके बाद उसको निभाने की पूरी ताकत रखते हैं ऐसा नहीं कि आप बस कोई भी चीज उसको हिला के चली जाएगी तो ये सब सारी बातें मतलब इट्स ओवर इट्स ऑल ओवर शुरू में मुन्नार के साथ भी आप लोगों का बहुत रिश्ता था अच्छा था इनफैक्ट मतलब और लास्ट में भी अच्छा हो गया था वो तो घर के अंदर का वो सिचुएशन वैसा होता है कि वो बाहर बोलना बहुत ईजी होता है बट जब एक चार दीवार में किसी को डाल दो वो तो वही इंसान बता सकता है वो तो सिचुएशनल हो जाता है बट मुनावर के साथ आपका जो झगड़ा हुआ था उसके बाद वो चीज़ें आप भूल गए हो या मुन्ना से बाहर आने के बाद बात आपकी वो सारी एक सिचुएशन की वजह से उस तरह की फीलिंग आ रही थी बट हम लोग कोई भी वैसे इंसान नहीं हम सब अपनी अपनी लाइफ में उतने मच्योर्ड है कि हमें पता है वो एक से शो था और हम उसका पार्ट थे और उससे हम कुछ जो अच्छी चीज़ें लेके निकलेंगे वो शायद ये रिश्ते ही हैं और आप वहाँ से क्या लेके निकलोगे जो आपको प्यार मिला अगर आपने कुछ किया तो आपको प्यार मिला वो उनके पास रहेगा और कुछ अच्छे रिश्ते तो हम सब आ, वहाँ झगड़े के अलावा हम लोगों ने इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं इतना समय दिया कि वो समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो मतलब वो सारी चीजें अपने अपने आप से कंफर्टेबली फ्लो में होती रहेंगी तो सब रहेंगे कनेक्टेड सी बाहर आने के बाद कोई बात अभी हां मतलब वो सिर्फ एक जो कन्वर्सेशन थी वो हुई थी बाकी ऐसी कोई कन्वर्सेशन अभी अभी नहीं बिकॉज़ वो भी अभी निकला है सबके अपने वर्क कमिटमेंट्स कमिटमेंट अभी सब लोग थोड़ा तो रिलैक्स कर रहे हैं फैमिली से मिल रहे हैं और ये सच बताऊं तो एक सौ एक दिन आप रह के आओ तो किसी की शक्ल देखने का ही मन नहीं करता थोड़े दिन सब लोग मती दिखो तो अच्छा क्योंकि हम एक दूसरे को कितना रहे हैं यार तो अभी हम अपने नया नया सा लगता है पूरी दुनिया ही अलग हाँ 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 मतलब आप ज्यादा भी अपने परिवार अपने फ्रेंड्स या जो लोग आपकी जर्नी में आपका सपोर्ट कर रहे थे उनसे मिलना है अभी इतनी सारी चीजें देखनी है तो अब हम सब अभी ये जरूरी है इस सीज़न की एक खास बात और थी कि सीज़न जब शुरू हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही ऐसी खबर आई थी कि अंकिता प्रेग्नेंट है मतलब सारी जगह वो फैल गया था मतलब सब खुश हो गए बिग बॉस माना बनने वाले हैं मतलब ऐसे से मीम्स आ, मतलब आ, मतलब ऐसे मीम्स भी आ रहे थे कि हाँ ये मतलब अब पहली बार होगा कि बिग बॉस की जनरी में एक बेबी भी आएगा मतलब बहुत सारे ऐसे मीम्स भी बन रहे थे बहुत सारी बातें हो रही थी बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ सच में ये पल कब आएगा

मेरे सिर्फ जो हैं वो उन्हीं के साथ थे जो एकदम बहुत ज़्यादा टू थे से नहीं है अगर कुछ उनके साइड से आएगा तो मैं कभी नहीं चुकूंगा, अगर नहीं आया तो फिर मतलब उनको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा उनकी yes. स्पेस में के भी बोलू अगर आप एक ऑडियंस से बाहर पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसके मेंटल हेल्थ अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है बट वो उस तरह से जिस तरह से वो नरेट कर रहे हैं उस टाइम पे जो चीज़ उनके साथ हुई थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी और वो नहीं होना चाहिए बट आज जब वो बिग बॉस में आए हैं तो क्या वो पूरी तरह से फिट हैं इसका टेस्ट होता है सारी चीज़ होती है अगर आप फिट नहीं हैं तो आपको नहीं भेजा जाता उस घर पर तो अगर आप आज ठीक हो चुके हो और पूरी तरह से ठीक हो तो मैंने वेश अभिषेक को ऐसा देखा कि अभिषेक भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान रहा है घर के अंदर इमोशनली क्योंकि अगर आप रिश्तों में भी तुरंत तुरंत तुरं कोई भी स्टेप ले लो और आप बोलो कि मेरे को कोई रिश्ता नहीं बनाना और तू जा और तू जा वाला जो एटीट्यूड है अगर आप में है तो आप बहुत मजबूत इंसान हो कि करना आसान नहीं होता है। तो मैंने अभिषेक को कभी भी वीक नहीं माना मैं हमेशा उसको इमोशनली हर चीज़ें स्ट्रॉग मानता था बट उसकी जो कंडीशन थी उस टाइम पर उस चीज़ का मजाक बनाने से कोई भी अगर चीज़ उसकी मेंटल स्थिति को ट्रामाटाइज करे तो ये सही नहीं मैंने कभी नहीं माना कि वो चीज़ सही है बाहर एक्चुअली फिनाले वाले दिन ना बाहर लोग ऐसा उम्मीद लगा कर बैठे थे कि ट्रॉफी अंकिता ही लेकर आएंगी हाथों में इनफैक्ट आंटी ने भी एक इंटरव्यू में मुझसे बताया था अंकिता की मम्मी ने कि घर पर काफ़ी तैयारियाँ किया था उन्होंने फ्लावर्स वगैरह लगाए थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की थी आपको साम, इडली सांभर भी बनाकर खिलाया था उन्होंने तो so, uh, क्या बताना चाहेंगे कितना आप लोगों के लिए वो थोड़ा सैड मोमेंट रहा था और अंकिता का भी वीडियो आप अपनी जर्नी के बारे में खुद ही तारीफ करो या मैं खुद बोलूँ की तो फाइनलिस्ट जाने वाला था मैं मजा नहीं आता लोगों ने ये चीज कहना चाहिए कि तो लोगों ने डेफिनेटली ये माना कि अंकिता विनर है देर आर सेक्शन जिन्होंने कहा नहीं है तो टॉप टू तो है ही ये लोग मानते थे अब ऐसा नहीं हुआ तो उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर, अगर उतने दिनों में लोग ये मान रहे थे तो वो भी अपने आप में किसी ट्रॉफी से कम नहीं है लेकिन अंकिता आप जब 105 दिन में निकलते हो ना वहां से आप तो थक जाते हो लेकिन आप बहुत टायर्ड क्योंकि आप समझो ना दो तीन दिन से एक्ट से वो सारी चीज टाइमिंग सब गड़बड़ा जाता है और आप अपने घर पे भी नहीं हो हम तो घर से गए और वो उन लोग उसी टाइम भी उस घर के अंदर थे तो जब निकली थी वो काफी थकी हुई भी थी तो दोनों चीजों का मिक्स रिस्पॉन्स था वहां इतना लेट भी हो गया था तो ये चीज़ वो चीज सब मिला जस्ट साइलेंट एंड शी जस्ट वॉन्टेड टू गेट बैक होम एंड पीपल एंड यू नो आप भी बहुत मिस कर रहे होते हो तो वो चीज़ की ज्यादा जल्दी होती है कि भाई अब चलो निकलो चलो ये और घर आ गए बस खबरें ऐसी भी चल रही है कि आप खतरों में जाने वाले हो तो मैं आपसे आप ही आप बता दूं क्या है तो अभी जा अभी ये सब चीजें पाइपलाइन में है नहीं है अभी पता चलेगा अभी तो मैं सिर्फ अपने घर जा, जा नहीं, मैं तो अभी अपने घर जा रहा हूँ थोड़े दिन फिर उसके बाद देखूंगा आगे कैसी क्या चीज स्टंट्स वगैरह अगर आप जाते भी हो तो स्टंट्स वगैरह आप कर सकते हो मुझे लगता है

अगर मैं अपने पार्टनर को मेरे साइड से समझू या वो मुझे समझे तो चीजें शायद और समझना नहीं चाहते इस दो जिंदगी में बस एक ही है ना उसको दे दो बस चल ठीक है जैसा है वो मैं समझने तैयार हूँ ये बिग बॉस की री पार्टी कब होने वाली है कब आप लोग धमाल मचाने वाली शायद नाइन्थ को है party of course में. party vicky we're having a party yes exactly yeah he's not at to party vicky we're having a party hi my name is vicky Jain and you're watching me on telemasala